करते हैं। प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज कल हम इसके पहले पार्ट में हम प्रत्यय, कृत प्रत्यय के बारे में बताए थे, और उसका दूसरा पार्ट है तद्धित प्रत्यय। यह क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए लाभकारी है, और ध्यान से सुने। उसे हर एक का हम बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबका बता रहे हैं, और शेष चीज़ें और अधिक जानकारी के लिए उसका थोड़ा अध्ययन करें उदाहरणों का। तद्धित प्रत्यय है क्या? अब आ तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषणों के साथ जुड़कर जो प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सोना है, उसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं आर, तो सुनार। लोहा है, आर प्रत्यय लगाने से लुहार हो जाता है। यहाँ आर प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, तद्धितांत। अब तद्धितांत है क्या? जिन प्रत्ययों के अंत में तद्धित प्रत्यय आते हैं, या जो शब्द तद्धित प्रत्यय लगने से बने हैं, वे तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लुहार और सुनार पहले बताए हैं, ये दोनों तद्धितांत प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द जैसे हिंदी एवं संस्कृत, हिंदी और संस्कृत के से जो बनते हैं प्रत्यय, वो आप देखेंगे। पहला भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं। जैसे औती है तो बपौती, मनौती, इसी तरह से और भी शब्द बनेंगे। त्व है सतीत्व, स्त्रीत्व, ता है दास्ता है, पा है प्रत्यय है। अब इसको बनाएंगे तो मोटापा, बुढ़ापा। आ है तो बुलावा, आहट है तो गर्माहट, इमा है तो लालिमा, ई है तो गर्मी, सर्दी, अच्छाई इत्यादि। मतलब हम एक एक बता रहे हैं और भी बता दे रहे हैं, और शेष आप अपने मन से भी बना सकते हैं। विशेषण दूसरा है, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से गुण का बोध हो उसे विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इला है, अब इला प्रत्यय है रंगीला, चमकीला। आ प्रत्यय है तो भूखा, खट्टा। ई प्रत्यय है तो गुजराती, और इल प्रत्यय है तो जटिल। लाडला, एला, ऐला। विषैला, वान, गुणवान, वाला, मेरठ वाला, जौनपुर वाला, इस तरह से। ग है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय है, ई तो जो उससे बनने वाले, जैसे तेली, तेली, धोबी। आर लुहार, इया दुखिया, एरा लुटेरा। अक लेखक, दार ईमानदार, वान धनवान, गाड़ीवान आदि। अब है संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्येक संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे
आल से काल प्रत्यय है, ससुराल ननिहाल, एरा चचेरा ममेरा फुफेरा, जा भांजा भतीजा, एक नैतिक ऐतिहासिक पौराणिक इत्यादि। ये बहुत ही संक्षेप में हम आपको बता दिए हैं, विशेष किताबों का सहारा ले।